अगर आप एंथुजियास्टिक हो ग्राफिक फील्ड में या गेमिंग इंडस्ट्री में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डायरेक्टली यूके में जॉब दिला सकती है विद वीजा स्पॉन्सरशिप। आपको इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। अगर वेलकम बैक टू वीवो टीवी। तो अगर आप ग्राफिक इंडस्ट्री से हो, अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हो, आपको गेमिंग का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो जॉब शेयर करने वाला हूं जो कि क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करती है। अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स है या आपके पास गेमिंग की स्किल्स है, चाहे वो थोड़ी सी भी क्यों ना, अगर नहीं भी है तो भी चलता है, बट अगर आप एंथुजियास्टिक हो ग्राफिक फील्ड में या गेमिंग इंडस्ट्री में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो जॉब शेयर करने वाला हूं जो कि आपको डायरेक्टली यूके में जॉब दिला सकती है विद वीजा स्पॉन्सरशिप। और सबसे अच्छी बात यह है ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है, आपको इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है बट आपको अगर टैलेंट है आपके अंदर तो ये वीडियो के थ्रू आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओगे और आप डायरेक्टली यूके में वो जॉब्स को ले सकोगे। आप अपना पैशन भी कंटिन्यू कर लोगे, प्लस आप यूके में आ भी जाओगे विद वीजा स्पॉन्सरशिप और आप अच्छे पैसे कमा के यूके में सेटल भी हो सकते हो। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो, हम अपने चैनल पे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाते हैं ताकि आप जैसे लोग जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं जॉब करने के लिए या आना चाहते हैं, उनके लिए इजी हो और कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना या बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊंगा कि वो जॉब्स क्या है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितना आपको सैलरी मिल सकती है, क्या उनकी वर्किंग कंडीशन होगी और क्या एक्सपेक्टेशन है उन जॉब से, और आपको कितना एक्सपीरियंस होने की जरूरत है उन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, ये है वो पहली जॉब जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था वीजा स्पॉन्सरशिप की। तो आप देख सकते हो ये ग्राफिक डिजाइनर की जॉब है जिसमें आपको टीयर टू स्पॉन्सरशिप मिल रही है। ये फुल टाइम भी है, परमानेंट भी है, तो आप देख सकते हो इसकी सैलरी यहां पे मेंशन है। ये फुल टाइम जॉब को मिलेगी और मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें दिखा हुआ है, इस कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपको जॉब मिल जाती है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है। प्लस सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एजुकेशन में सिर्फ 1 ईयर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ही हाई फाई या कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं मांगा हुआ, सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही बेसिक एक्सपीरियंस के साथ भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आराम से यूके में आके जॉब कर सकते हो। दूसरी भी जॉब यही है कि ग्राफिक डिजाइनर की, जिसमें भी आपको टीयर टू स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। ये एक दूसरी कंपनी है, यहां पे भी सेम है, ये भी फुल टाइम जॉब है, प्लस ये परमानेंट जॉब है। इसमें भी कंपनी के बारे में बताया हुआ है, प्लस आपको यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख जाएंगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करके आपको हायर हो जाते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की हुई है। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें एजुकेशन के बारे में, तो इस जॉब की भी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी सिर्फ 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा कोई एजुकेशन की डिमांड नहीं हुई है कि आपको बहुत मास्टर्स होना चाहिए या बहुत ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, सिर्फ एक 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सपीरियंस भी यहां पे सिर्फ 1 ईयर का ही मांगा हुआ है, तो बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस अगर 1 ईयर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पे प्रीफर्ड लिखा हुआ है, विच मीन्स अगर आपके पास ये नहीं भी होगा, अगर आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास स्किल है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करके इंटरव्यू अगर क्रैक कर देते हो तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ प्रीफर्ड लिखा हुआ है, मस्ट हैव नहीं है। प्रीफर्ड मतलब कि आपकी वो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आपके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट अगर आपने फ्रीलांसिंग में काम किया हुआ है, आपके पास थोड़ा सा स्किल सेट है, आपने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, आपके पास टैलेंट है, तो आप इस जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। देन अब चलते हैं नीचे, यहां पे मैं दिखाता हूं कि एक नेक्स्ट लेवल की जॉब है, थोड़ी हायर लेवल की जॉब है, बेसिकली प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है पीसी कंसोल में, अगेन गेमिंग इंडस्ट्री से है। प्लस यहां पे अगर रोल्स की बात करें तो हेड ऑफ पीसी है, जो कि काफी बड़ी पोस्ट है। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छी पोजीशन पे है, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और अगर आप एक हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए आइडियल हो सकती है गेमिंग इंडस्ट्री में। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक हाइब्रिड रोल है, बेसिकली आपको 3 दिन ऑफिस में आना पड़ेगा और 2 दिन आप घर से काम कर सकते हो। तो आजकल ये न्यू नॉर्म हो चुका है कि हाइब्रिड मॉडल हो गया है, इसमें भी वही मिला है आपको हाइब्रिड मॉडल। प्लस यहाँ पे देख सकते हो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप कभी भी काम कर सकते हो, वो ट्रस्ट करते हैं, तो आप आराम से कभी भी लॉग इन कर सकते हो, कभी भी लॉग ऑफ कर सकते हो, आपको फ्लेक्सिबल आवर्स देते हैं। प्रॉफिट शेयर स्कीम है कि अगर आप कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको भी शेयर्स मिलेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो प्लस सैलरी तो है ही है, प्लस आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल रहा है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, ऑन साइट जिम है, लाइफ इंश्योरेंस है, प्लस आपको रिलोकेशन सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आप अपनी कंट्री से यूके आओगे तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो वीजा के हो या आप अगर कुछ अपना
सामान लाना चाहते हो, तो वो जो रिलोकेशन सपोर्ट होगा वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। तो आपको अपनी जेब से कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो अगर आपको वीजा स्पॉन्सरशिप की जरूरत है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट एक नॉर्मल सी बात है, आप कोई रोल पे जाओगे तो कुछ चैलेंजेस आपको मिलेंगे और आप वो काम कर लोगे। प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप इतनी हायर पोस्ट पे जा रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको टैकल कर लोगे। बस आपको इंटरव्यू क्रैक करने की जरूरत है क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप मिल रही है। देन आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, व्हाट डज द जॉब एक्चुअली इन्वॉल्व्स। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको लगता है कि आपने ये काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कैलिबर है इस काम को करने का, तो आप इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई करिए क्योंकि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, प्लस वीजा स्पॉन्सरशिप भी है। और यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया हुआ है कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल, बेसिकली अगर आप यूके आते हो सकता है कि आपको यूके से बाहर बिजनेस ट्रिप पे भी जाना पड़ जाए। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो और आप चाहते हो कि आप अलग अलग कंट्रीज घूमो तो ये जॉब आपके लिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल की भी रिक्वायरमेंट है। इवन तो आप यूके में भी होगी बट आप यूके से आपको बाहर भी जाना पड़ेगा बिजनेस ट्रैवल के लिए। तो यहाँ पे आपकी हार्ड स्किल भी ली हुई है, पैशन फॉर गेम, तो बेसिकली गेमिंग इंडस्ट्री की जॉब है। अगर आपके पास पैशन है गेमिंग इंडस्ट्री का और नॉलेज है इंडस्ट्री की तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही आइडियल हो सकती है। देन आपके पास बेसिकली सॉफ्ट स्किल होने चाहिए, सिंस ये मैनेजर लेवल की जॉब है तो आपके पास सॉफ्ट स्किल होना भी थोड़ा सा मैंडेटरी है। एंड देन यहाँ पे आपके कंपनी के बारे में दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो कि कंपनी क्या करती है उसका। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, प्लीज नोट दैट ऑल द एप्लीकेंट मस्ट बी विलिंग टू रिलोकेट टू अवर यूके स्टूडियो इफ सक्सेसफुल। तो बेसिकली यहाँ चाहते हैं वो लोग कि अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप यूके आओ। तो बेसिकली ये जॉब आपको चाहती है कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर ले तो आप यूके आ जाओ। तो जॉब बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आपके लिए सूटेबल हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए। तो ये है अगली जॉब जहां पे है, सेम कंपनी में है, ये हेड ऑफ पीसी की जॉब है, बट ये एक हायर लेवल की है, जो पहले मार्केटिंग मैनेजर की थी, बट ये जॉब है ये हेड ऑफ पीसी की, ये एक लेवल ऊपर जॉब है। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट ये है कि क्या करना होगा आपको, क्या है, सेम वर्किंग कंडीशन है, 2-3 दिन ऑफिस होगा, 2-3 वर्क फ्रॉम होगा, आपके जो पर्क्स हैं सेम दिए हुए हैं, प्लस इसमें भी आपको रिलोकेशन सपोर्ट मिल रहा है, आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल रही है। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि आपको रिलोकेशन सपोर्ट भी मिल रहा है प्लस वीजा स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है और ये बहुत ही हायर पोजिशन की जॉब है। तो अगर आप इस जॉब में आते हो तो आपका एक ग्राफ होगा, जो करियर ग्राफ होगा बहुत ही अच्छा जाएगा। अगेन यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया हुआ है कि आपको क्या करना पड़ सकता है, एंड देन यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आप पढ़ सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा। सिंस ये हेड ऑफ पीसी है तो काफी हायर लेवल की जॉब है, आपको कोडिंग की इतना नहीं बट आपके पास सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस जॉब के लिए सुटेबल होगे। एंड देन यहाँ पे आपकी हार्ड स्किल ली हुई है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, 3+ ईयर्स ऑफ सीनियर लीडर ऑफ पीसीसी मार्केट इंडस्ट्री। तो बेसिकली अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री का एटलीस्ट 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन आप बाकी जो डिटेल्स है आप पढ़ सकते हो कि आपके पास क्या क्या होने चाहिए। देन पैशन ऑफ पीसी कंसोल गेमिंग, सिंस इंडस्ट्री गेमिंग की है तो आपको एक पैशन होना चाहिए ताकि आप उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सको। तो ये आपके पूरे हार्ड स्किल दिए हुए हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। देन सॉफ्ट स्किल की बात है कि आप सिंस हायर लेवल की, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा तो आपके पास सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए। एंड देन सिंस अगेन कंपनी के बारे में दिया हुआ तो आप पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका भी, आप जाके चेक करिए कि अगर आपके लिए जॉब सूटेबल है तो आप इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई करिए। देन जो लिस्ट में नेक्स्ट जॉब है वो सीनियर प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, ये भी सेम कंपनी में है, बेसिकली कंपनी में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हायरिंग हो रही है। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, आपको एक्सपीरियंस है गेमिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो बहुत ही लोअर लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, सारी टाइप की जॉब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल रहा है प्लस रिलोकेशन सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हर टाइप की जॉब्स हैं, जो आपके पास सूटेबल है, जो आपके लिए परफेक्ट फिट है, आप उसकी अप्लाई करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी जॉब्स का दे दूंगा, पूरे पेज का दे दूंगा, आप जाके चेक करिए कि आपके लिए कौन सी सूटेबल जॉब है और जाके अप्लाई करिए। तो नेक्स्ट जॉब आती है टेक्निकल आर्टिस्ट। अगर आप टेक्निकल स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग है और आप अगर मैनेजर पोजीशन पे नहीं जाना चाहते, आप टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हो ताकि आप अपनी जो टेक्निकल स्किल्स है और एडवांस कर सको, तो ये जॉब आइडियल हो सकती है क्योंकि ये है टेक्निकल आर्टिस्ट। यहाँ पे आपको हार्डकोर टेक्निकल या बिल्कुल आर्टिस्टिक व्यू की जरूरत है। तो ये आपकी कंपनी सेम है, सेम कंपनी की लोकेशन है, एंड देन वर्किंग मॉडल भी सेम होगा, आपको यहाँ पे वीजा स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, रिलोकेशन सपोर्ट मिल जाएगा, सब कुछ
जो क्राइटेरिया है, जो आपको पर्क्स मिलेंगे वो सब कुछ सेम होंगे, कंपनी भी सेम है। तो अगर आपको लगता है ये जॉब आपके लिए सुटेबल हो सकती है, अब यहाँ का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पढ़ सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है ये जॉब आपके लिए सुटेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई डेफिनेटली करिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियर गेम आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये भी सेम कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे है, आपको पर्क सेम मिल रहे हैं, कंपनी सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। बेसिकली अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री से हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री से हो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो सीनियर गेम आर्टिस्ट की आपके पास जॉब है, एंड देन आपके पास सीनियर आर्टिस्ट की भी जॉब है। तो अगर आपको गेम आर्टिस्ट की जॉब, तो एक लोअर लेवल की भी जॉब है, आप सीनियर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो और लोअर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। कंपनी सेम है, पर्क्स आपको सेम मिल रहे हैं, वीजा स्पॉन्सरशिप ऑफ जॉब के साथ। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिए। इन सारी जॉब्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक्सप्लोर करिए, रीड करिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आपको लगता है ये जॉब आपके लिए सूटेबल है तो डेफिनेटली इनके लिए अप्लाई करिए। तो गाइस ये था वीडियो जहां पे मैंने आपको उन जॉब्स इंट्रोड्यूस कराया जो कि ग्राफिक इंडस्ट्री से है, गेमिंग इंडस्ट्री से है। जैसे कि आपने देखा कि कोई ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और आपको यूके में वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब भी मिल रही है, तो अपनी कंट्री में रहते हुए यूके आ सकते हो, जॉब कर सकते हो और सेटल भी हो सकते हो। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें लाइक कर देना, हमें कमेंट सेक्शन बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो यूके आने का प्लान कर रहा है तो उसके साथ डेफिनेटली शेयर कर देना, ताकि उसके लिए यूके आने का जो पाथ है वो सेट हो जाए और ताकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।